हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित जैन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज जैसे मार्केट में, जहां पर हमने मार्केट में सुबह के टाइम पे एक शार्प फॉल देखा, देन उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा राइज किया, देन अगेन छोटा सा फॉल, देन अगेन मार्केट ने राइज किया एंड उसके बाद एक स्पाइक मूवमेंट भी दिया, उसके बाद फिर एक फॉल, फिर एक राइज। तो आज पूरे दिन में मार्केट ने एक फॉल भी दिया एंड उसके बाद पूरे दिन में एक जिगजैग काइंड ऑफ अ मूवमेंट भी दिया। तो हम देखेंगे कि जो हमारा इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रेडल का जो एल्गो सॉफ्टवेयर है, आज उसने आज के दिन पर कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, ये वही स्ट्रेटजी है जो मैंने अपने फेस टू फेस के अंदर ये स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था, जिसमें अंदर हम डे वाइज निफ्टी के लेवल्स निकालकर उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी को रन करते हैं। तो वो स्ट्रेटजी को मैंने कंप्लीटली ऑटोमेट कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी ने या इस एल्गो ने आज जैसे दिन पर कैसे, किस टाइम पे एंट्री लिया, कब एग्जिट लिया, कब री एंट्री किया, या कैसे कैसे किस तरह से एडजस्टमेंट किया, वो हम सब देखते हैं। तो मैंने आज इस एल्गो को निफ्टी के ऊपर भी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी दोनों पे रन किया है। दोनों पे एटीएम स्ट्रेडल को शॉर्ट करके मैं चला था। तो मैंने निफ्टी के अंदर कुछ 5 लॉट्स के अंदर काम किया है और बैंक निफ्टी के अंदर 4 लॉट्स के अंदर काम किया है। तो ये मेरा कुछ अकाउंट्स में से मेरा ये एक अकाउंट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। हम पहले देखते हैं कि हमारी पहली एंट्री किस टाइम पे होती है। तो हमारी पहली एंट्री का हमारा रूल है 9:30 पे हम एंट्री करते हैं और उस टाइम पे जो भी अंडरलाइन का प्राइस होता है उसके बेसिस के ऊपर हम एटीएम स्ट्राइक्स डिफाइन करते हैं, उनके उसका स्ट्रेडल शॉर्ट करते हैं एंड कलेक्टिव प्रीमियम को हम, जैसे आज ट्यूजडे है तो डिवाइड 3 से डिवाइड करके अपर और लोअर रेंज बनाते हैं। सो आज 9:30 मैंने 9:27 का कैंडल सेलेक्ट किया है। इस टाइम पे मैंने यहाँ पर जो निफ्टी का प्राइस आ रहा है वो 736 आ रहा है, तो 750 का मैंने एटीएम स्ट्राइक्स यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। 9:27 का मैंने टाइम सेलेक्ट किया है जो कि 9:30 का क्लोजिंग प्राइस है। इसके बेसिस पे आप ये यहाँ पर जो रेड लाइन देख रहे हैं ये इसकी लोअर रेंज बन जाती है और ये जो ग्रीन लाइन है ये इसकी अपर रेंज बन के आती है। जैसे ही हमने पोजीशन में 9:30 पे एंट्री किया उसके एकदम बाद से मार्केट में एक शार्प फॉल आया और अब यहाँ पर देखते हैं 9:54 की कैंडल पे वो लोअर रेंज यहाँ पर ब्रेक हुआ। तो अब अभी हम अपने एल्गो पर जाकर देखते हैं कि पहले उसने एंट्री कब किया और उसके बाद 9:54 की कैंडल पे एग्जिट कैसे दिया। सो ये एल्गो के ट्रेड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। एल्गो किस तरह से रन करता है वो एक डिफरेंट पार्ट है, बट हम एल्गो ने कैसे कैसे परफॉर्म किया हमारा पर्पस आज ये देखने का है। सो मॉर्निंग में 9:30 के टाइम पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जहां पे ये चल रहा है। तो 9:30 पे 15:750 के कॉल को इसने यहाँ पे शॉर्ट किया, 4 एंड 1 5 लॉट्स एंड उसके बाद 750 के पुट्स को इसने यहाँ पर शॉर्ट किया। देन वहां पर उसका एग्जिट आया था 9:54 के कैंडल पे। 9:54 का कैंडल 3 मिनट का है तो 9:54, 55 एंड 56 ये 3 मिनट वो कैंडल रन करेगा। सो यहां पर ये 9:56 के टाइम पे मार्केट का वो लोअर रेंज ब्रेक हुआ था, उस लोअर रेंज ब्रेक होने पर यहां पर इस पोजीशन ने यहां पर एग्जिट लिया। So, हमारी जो एंट्री हुई थी वो हुई थी अबाउट 67.75 जो कि कॉल का प्रीमियम था एंड 81.5 हमारा पुट का प्रीमियम था। तो अबाउट 149.25 के टोटल प्रीमियम पे हमारा एंट्री हुआ था जो कि एग्जिट हुआ लॉस में 51.6 प्लस 109.9 अबाउट 161.5। तो यहां पर हमारे लॉस में इस पोजीशन को एग्जिट मिला था। तो अभी हम देखते हैं कि उसके बाद उसने री एंट्री कैसे किया। री एंट्री के लिए हम यहां पर इंडिया विक्स को चेक करते हैं कि अगर वो 60 से नीचे है तो हम दोबारा री एंट्री करेंगे। तो 9:54 पे हम इंडिया विक्स के चार्ट को देखते हैं। सो 9:54 का कैंडल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इंडिया विक्स का, तो उस टाइम क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया विक्स के आरएसआई का वैल्यू 44 है। तो जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट होगा सॉफ्टवेयर फर्दर नई स्ट्राइक्स में री एंट्री करेगा। तो
इसी कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 15,697 है, तो हमारा एटीएम स्ट्रेडल 15,700 का बन के आएगा। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर टाइम चेंज कर देता हूँ ताकि हम अपने अपर एंड लोअर रेंज को यहाँ प्लॉट कर सकें। 954 का कैंडल है एंड 15,700 के स्ट्राइक्स हैं, 700 कॉल एंड 700 पुट। उसके बाद लोअर रेंज यहां बन के आती है एंड अपर रेंज यहां पर प्लॉट आके आती है। ये हमारा स्ट्रेडल हम देखते हैं किस प्राइसिंग में शॉर्ट हुआ। तो ये कैंडल कंप्लीट होती है 957 पे, इसने अगला ट्रेड लिया जिसमें 15,700 के पुट्स एंड 15,700 के कॉल को इसने यहां पे शॉर्ट किया। इसने शॉर्ट किया अबाउट 80 प्लस 76 अबाउट 156 पॉइंट्स में इसने यहां पे शॉर्ट किया। एंड अगेन उसके बाद ये थोड़ा नीचे चलता रहा, यहां पर ये मार्केट ऊपर गया था लेकिन इसने अपर रेंज को यहां पे टच नहीं किया और स्ट्रेडल हमारा मेंटेन रहा। उसके बाद यहां पर 127 के कैंडल पे अंडरलाइंग में एक स्पाइक आता है और उसके यहां पर हमारा अपर रेंज ब्रेक होता है। तो हमारे एल्गो ने यहां पर अपनी पोजिशन से स्क्वायर ऑफ करना है, तो हम देखते हैं वहां पर कैसे काम किया है। 127 की कैंडल पे यानी यहां पर हम देखते हैं 128.31 पे वो लेवल ब्रेक हुआ होगा, तो यहां पर सिस्टम ने उसको एग्जिट दे दिया और यहां पर हमको एग्जिट मिला है 50.3 प्लस 94 या 95 जो कि हमने 155 या 156 में कहीं शॉर्ट किया था। ये थोड़ा पोजीशन प्रॉफिट में निकला। सो मॉर्निंग के टाइम पे मैंने ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट किया हुआ था, तो निफ्टी के अंदर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था और बैंक निफ्टी के अंदर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो कंबाइंडली मिला के करीब अबाउट 17-18,000 का लॉस सिस्टम के अंदर दिखा रहा था। देन उसके बाद सिस्टम ने धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया एंड इसके बाद यहाँ पर ये 128 पे इसने एग्जिट किया। हम एक बार दोबारा चार्ट पे चलते हैं। 128 पे एग्जिट किया, कैंडल कंप्लीट होने के बाद वो री एंट्री कंडीशंस को चेक करता है, पहले तो RSI, तो 127 पे हम RSI चेक करते हैं। 127 RSI की वैल्यू 34-35 था, तो हम री एंट्री बनती है, तो हम इस टाइम पे चार्ट पे चलते हैं और इस टाइम पे हम लोग दोबारा से प्लॉट करते हैं अपने पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू। 127 का हम टाइम सेलेक्ट करते हैं 13:27 एंड स्ट्राइक्स हमारे बनेंगे 15,750 कॉल, 15,750 पुट्स। तो अगेन हमारे पास लोअर रेंज यहाँ पर ये निकल के आती है एंड अपर रेंज हमारी ये निकल के आती है। तो उसके बाद मार्केट ने कोई भी अपर या लोअर रेंज को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे हमारा स्ट्रेडल शॉर्ट हुआ था 130 पे, यहाँ पर 69.35 एंड 69 अबाउट 137.35 पॉइंट्स में स्ट्रेडल शॉर्ट हुआ था। तो उसके बाद मार्केट ने कोई रेंज ब्रेक नहीं किया और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के जो लेवल्स मैंने डिफाइन किए थे उसमें से वो कोई लेवल भी यहाँ पर अचीव नहीं हुआ था। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बस ना 3 बजे मैंने एग्जिट का टाइम दिया हुआ था, तो 3 बजे इसने पोजिशन को एग्जिट कर दिया। तो देखते हैं हमने किस लेवल पर इसने पोजिशन को एग्जिट किया। सो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 259.59 यहाँ पर इसने एग्जिट किया, कॉल 69.70 एंड पुट्स 70 एंड 61 तो 131 पे उसने यहाँ पर एग्जिट किया। तो हम चार्ट पे भी देखते हैं तो 130.85 का यहाँ पर क्लोजिंग दिखा रहा है, 131 पे वहाँ पे वो उसने एग्जिट किया है। सेम यही चीज मैंने बैंक निफ्टी में किया है, तो हम बैंक निफ्टी में भी एक बार देखते हैं। तो 927 के कैंडल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर उस टाइम अंडरलाइन का प्राइस है 35,251, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एट द मनी स्ट्रेडल बनता है 35,300। तो 927 का टाइम मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है और 35,300 के कॉल एंड पुट्स को भी यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमारे पास लोअर रेंज ये निकल के आती है यहाँ पर एंड अपर रेंज ये निकल के आती है। ये लोअर रेंज 939 की कैंडल पे ब्रेक हुआ है, तो हम एक बार दोबारा से अपने एल्गो पे चल के देखते हैं। तो यहाँ 35,300 पे इसने यहाँ पे शॉर्ट किया
एंड 9:39 की कैंडल, यानी कि 9:39 की 3 मिनट की कैंडल, 9:39, 40 एंड 41, इसके बीच में 9:40:33 सेकेंड्स, यहाँ पर इसने इस पोजिशन को एग्जिट किया था। तो करीब यहाँ पे 110 12 15 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर लॉस आया था। तो टोटल तभी वो करीब 17-18,000 का लॉस मॉर्निंग में यहाँ पर दिखा रहा था। देन उसके बाद री एंट्री क्राइटेरिया 9:39 पे इंडिया विक्स, 9:39 पे इंडिया विक्स का वैल्यू कहीं नीचे है, 39 के आसपास है, तो री एंट्री करेंगे। तो 9:39 पे हम पैरामीटर्स को चेंज कर लेते हैं एंड अंडरलाइन का प्राइस था 35,119, तो हमारा एटीएम स्टेडल बनेगा 35,100। तो 35,100 कॉल, 35,100 पुट। सो तो 9:39 का कैंडल कंप्लीट होते ही 9:42 पे इसने 35,100 के कॉल पुट्स को अगेन यहां पर ये शॉर्ट किया। फिर उसके बाद हमारी लोअर रेंज ये निकल के आती है एंड अपर रेंज ये निकल के आती है। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने दोनों में से कोई भी रेंज को ब्रेक नहीं किया, लेकिन मैंने बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स कुछ डिफाइन किए हुए थे। तो मैंने कुछ लॉट्स 95 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे बुक करने का डिफाइन किया हुआ था, कुछ लॉट्स 120 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे बुक करने का डिफाइन किया था। तो यहाँ पे करीब हम देखते हैं, यहाँ शॉर्ट किया 9:42, 132 के आसपास यहाँ पर इसने दो लॉट्स में मैंने यहाँ पर पार्शियल 95 पॉइंट्स का पार्शियल प्रॉफिट बुक किया 132:42 सेकेंड्स पर। देन उसने अगेन यहाँ पर 224 के टाइम पे 120 पॉइंट्स का पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया एक लॉट में 224 पर। उसके बाद रिमेनिंग जो पोजीशन बचा था वो थर्ड मेरा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल अचीव नहीं हुआ था, तो वो उसने 259 यानी 3:00 पर यहां पर उसने वो स्क्वायर ऑफ कर दिया। सो आज के वीडियो का पर्पस ये था, आपको ये बताना था कि कैसे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पर काम करके, जिसमें कि आप अपने रूल्स पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं, ना कि मार्केट में प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से आप अपना रूल्स या अपना डिसीजन मेक करते हैं, जिसमें कि ये कोई अंडरलाइन का लेवल कहीं ब्रेक हो तो आप जज करते हैं कि हाँ ये प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो को ब्रीच कर रहा है, या ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, या किसी डेटा के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने सिस्टम के रूल्स को पहले से ही कहीं डिफाइन करके और उसको ऑटोमेट करते हैं, तो उसके ऊपर काम करके कभी कभी लॉस होने के बाद भी आप उस सिस्टम से पैसा बना सकते हैं। सो एंड एल्गो ट्रेडिंग करने से फायदा ये होता है कि आप अगर सिस्टम पे नहीं भी है तो भी एल्गो अपना काम कर रहा होता है। आज दिन में ये 2-3 बार ट्रेड ऐसे भी हुए जब मैं सिस्टम पे नहीं था लेकिन ये एल्गो अपना काम कर रहा था। सो एल्गो होने का फायदा यही है, हम सिस्टम पे नहीं है लेकिन वो फिर भी काम कर रहा है। अब हमें बस अपने एल्गो को दिन में बीच बीच में मॉनिटर करना होता है कि हाँ हमने जो पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो सामने वो उस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट कंटेंट के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।